नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक ब्लॉग पर। दोस्तों, आज कुछ अंदर से बेटर फील नहीं कर रहा हूं, कुछ एंजाइटी सी है और आफ्टर कोविड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मुझे कोविड का इन्फेक्शन हुआ था और मैंने आप सभी के साथ बोला भी था कि मैं अपनी कोविड जर्नी शेयर करूंगा। इस वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हम इसको हरा सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, आम बीमारियों जैसा ही है। बस कुछ लोगों के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं वो उनकी पहले की जो थोड़ी बहुत बीमारियां थी और साथ ही साथ जो है वो डर जाते हैं अंदर से, इस वजह से उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोविड की ये जो दूसरी वेव है इससे मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे थे जिसमें 15 तारीख को मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और वहाँ से लौटने के बाद 16 तारीख तक तो ठीक रहा, लेकिन शाम से ही मुझे हल्का हल्का जुकाम फील होने लगा, गले में खराश। 17 को सुबह से मुझे बुखार आना शुरू हुआ, गले में खराश बढ़ गई, जुकाम बढ़ गया, सूखी खांसी बढ़ गई। 19 तारीख को जो है 17-18 दो दिन बीता, 19 तारीख को मैंने टाइफाइड टेस्ट किया और मेरा टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को इस टाइम पर जुकाम बुखार खांसी इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला टेस्ट आप कोविड का कराइए, क्योंकि इस समय जो है जिस तरीके से कोविड अलग अलग तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और समय रहते अगर हम टेस्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और टेस्ट कराना भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। टेस्ट कराएंगे तो समय के साथ जो है हमको अच्छे से राहत जो है वो मिल जाएगी। तो थोड़ा सा लेट मुझको भी हो गया, मैंने 19 को टाइफाइड टेस्ट करा लिया। कहीं ना कहीं मन में डर था और अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ बता सकता हूं कि कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर टेस्ट लीजिए। पॉजिटिव आते हैं होम आइसोलेट रखिए और आगे जो मेट्रिक्स बताता हूं अगर उनको फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 17-18 दो दिन बीता, 19 तारीख को टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आया। 20 तक जब मुझको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो गई, मुझे 20 से जो है वो थोड़ा थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी। तो मेरी जो दिक्कत थी सांस लेने वाली वो दोपहर के बाद से शुरू होती थी, तो लगभग 2-3 दिन मुझे ये दिक्कत हुई है, 20, 21, 22 शायद, क्योंकि 21 को मैंने फिर कोविड टेस्ट लिया क्योंकि मुझे राहत नहीं थी। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे कोविड टेस्ट लेने की सलाह दी। 21 को मैंने कोविड टेस्ट लिया, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और मैंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया। होम आइसोलेशन में जो है आपकी फैमिली का सपोर्ट बाहर से, चूंकि हम टच में नहीं होते हैं लेकिन बाहर से ही उनका जो मेंटल सपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जो है पावर देता है। और मेरी वाइफ चूंकि जो है वो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और सपोर्ट करने की बात है, एक जो केयर होती है वो मिली। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो थीं वो मुझे थीं और लोगों से बोल नहीं पा रहे थे, शायद वो भी मुझे नहीं बता रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा था, 2-2 घंटे पे मुझे बुखार आ जा रहा था। 21 से मुझे जब कोविड किट मिल गई जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलती है आफ्टर टेस्टिंग, तो मैं उसका सेवन कर रहा था, राहत नहीं हुई। तो मेडिकल स्टोर से मैंने कोविड की एक नई किट मंगवाई जिसमें वो सारी दवाएं लगभग वही थी, तो मैंने उसको लेना शुरू किया। 21, 22, 23, 24, लेकिन कोई राहत नहीं। हल्की फुल्की खांसी से राहत थी क्योंकि उसके लिए मैंने अलग तरीका, और सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी इन सब के लिए मैंने एक अलग तरीका निकाला था। 21 से ही मैंने दिन में 4 बार भाप लेना शुरू कर दिया और 4 बार में 2 बार मैंने नीम की पत्ती की भाप ले रहा था और 2 बार जो है वो बिक्स के साथ साथ सीनेरेस्ट आता है उसका भी इस्तेमाल कभी कभार कर लेता था। तो 21 से मैंने जब भाप लेना शुरू किया तो लगभग जब तक मुझे पूरी तरीके से राहत नहीं हुई 3 से 4 मई तक मैं उसको लेता रहा। और उसके साथ साथ मैं सीतोपलाज का चूर्ण था खांसी से राहत के लिए, मैं उसका इस्तेमाल करता था शहद के साथ। और सीतोपलाज चूर्ण के अलावा भी जो है अदरक और पीपर और एक आता है आपकी काली मिर्च, उसका भी सेवन मैं कर रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं जो है सांस लेने में जो दिक्कत थी उससे भी आराम हुआ और साथ ही साथ जो है खांसी से भी काफ़ी ज़्यादा राहत हो गई, लेकिन बुखार जो है मेरा नहीं जा रहा था। हालांकि जो है
24 से 25 के बीच में मुझे कोरोनिल टैबलेट्स जो है मिल गई, और मैं सभी दवाओं के साथ साथ मैंने उसका भी सेवन शुरू किया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं ले सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि हाँ आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो 25 से ही मैंने कोरोनिल लेना शुरू कर दिया। अगर आप ठीक हैं तब भी आप कोरोनिल का सेवन कर सकते हैं, हालांकि मार्केट से पूरी तरीके से गायब है, और ये संयोग ही रहा कि मुझे मिल गया। ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन वगैरह पे, लेकिन वहाँ भी काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है 25 से मैंने कोरोनिल लेना शुरू किया, और कुछ लोगों की सलाह से मैंने चिरैता आता है जो पत्तियों के जैसा होता है बुखार से राहत के लिए, और एक होम्योपैथ में आता है लिक्विड आता है, दो तरीके से मिलता है। मुझे लिक्विड तो नहीं मिल पाया होम्योपैथ वाला, लेकिन वो पत्ती वाला मुझे मिला। उसको मैं तब तक उबालता था जब तक वो पानी जिसके अंदर उबाला जाता था आधा नहीं हो जाता था। फिर उसके बाद मैंने उसको दिन में 3 बार लेता था मैं। काढ़ा तो मैं शुरुआत से ही, जब फर्स्ट डे वहां पर मैं इलेक्शन में गया था तो वहां पर भी मैं अपने साथ काढ़े की बोतल लेके गया था, तो काढ़ा तो मैं ले ही रहा था। और काढ़े में तुलसी, अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय चूर्ण, और इसके अलावा जो है पीपर, और आपका ये जो काली मिर्च होती है, अजवाइन होती है, इन सबका मैं सेवन कर ही रहा था। तो ये देसी चीजें पूरी तरीके से मैं ले रहा था। भाप जरूर लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, भाप से काफी राहत होती है। और साथ ही साथ जो है अगर बुखार ज्यादा आ रहा है तो चिरेते का भी सेवन कीजिए। ये सभी आयुर्वेदिक चीजें हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। फिर भी आप अपनी तरफ से अगर थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब चीजों का मैं सेवन कर रहा था। साथ ही साथ जो है दिमाग में आपके पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, डरना बिल्कुल नहीं है। मोबाइल पर उल्टी सीधी खबरें जो हैं इस समय आती हैं, कुछ रूमर्स होते हैं और कुछ अपने आस पास की खबरें होती हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से हिलाकर रख देती हैं, उन खबरों से दूर रहना है। लगभग 25 से 25 तक मेरी मोबाइल स्विच ऑफ रही। सुबह शाम मैं थोड़ा बहुत, चूंकि डिपार्टमेंट की न्यूज आती थी उसके लिए मैं ओपन कर लेता था, तो बाकी मेरी मोबाइल स्विच ऑफ ही रहती थी। तो इस समय दूर रहिए, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है बार बार ये कहने के बाद कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव वेव्स को ही जो है सर्कुलेट कीजिए। तो ये चीजें जो है मैंने की, और इसके साथ साथ जो है सबसे मेन चीज आता है कि कोविड, जैसे ही आपका कोविड इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों का थोड़ा लेट जाता है, लेकिन मेरा स्वाद जो था वो लगभग 19 या 20 से ही चला गया था। स्वाद और जो है स्मेल करने की जो पावर होती है, तो खाना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह बकरी के दूध से, उसके बाद मैं कीवी लेता था, और अश्वगंधा जो आता है, सॉरी आंवला स्वरस आता है, तो आंवला स्वरस को मैं सुबह जो है गर्म पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ जो है वो भी लेता था। तो इस तरीके से जो है, चूंकि टेस्ट और स्मेल चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपना खाना पीना पूरी तरीके से अब कंटिन्यू रखा, पहले जैसे ही सुबह बकरी का दूध, उसके बाद जो है कीवी, और दूसरा कोई फल लेने के बाद थोड़ा बहुत दवाएं, फिर दाल का जूस, फिर दोपहर में खाना, और उसके बाद फिर जो है 3 से 4 बजे के बीच में एक बार फल का जूस लेता था, शाम को फिर से खाना। तो मैंने अपना खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा, हालांकि मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा था। कभी कभार खिचड़ी, कभी कभार सूप लेता था सब्जियों का, और बाकी जो है जितने भी पौष्टिक चीजें होती हैं, चावल को छोड़कर मैं लगभग सब कुछ खा रहा था। हाँ, खिचड़ी के अंदर तो चावल आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चावल आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करता है। और खिचड़ी में मैं कभी कभार साबूदाने की भी खिचड़ी ले रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था, और मैंने 25 तक थोड़ी गलतियां कर दी। मैं पैरासीटामोल जो है वो दिन में 4-4 बार और शाम रात को भी 1-2 बार ले लेता था। उसकी वजह से मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई और दूसरी भी समस्याएं शुरू हो गई। तो उस समस्या से राहत के लिए जो है मैंने बाद में दवाएं, चूंकि मैंने कोविड हेल्पलाइन पर बात की तो मैंने दवाएं भी कम की, और साथ ही साथ जो है क्या नाम है चिरैता भी लेना शुरू कर दिया। उससे दवाओं का लोड थोड़ा कम हुआ और चिरैते ने मुझे अंदर से बहुत राहत दी, बुखार नहीं आया मुझे धीरे धीरे करके। जैसे 25 के बाद कभी जो दिन में 4-4 5-5 बार आता था वो 3 टाइम आने लगा, फिर 2 टाइम आता था, फिर 1-2 बार आने लगा, फिर ऐसे ऐसे करके बुखार जो है मेरा चला गया। अभी मैं अंदर बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा बहुत अंदर से वीकनेस लगभग 30 दिन से लेकर या फिर 45 दिन तक, जैसा कि आपका शरीर हो रहता है, अभी आपको दिख रहा होगा मैं तो टोटली फिट था, और इस वजह से मुझे अभी भी, लेकिन अभी भी मुझे अंदर से वीकनेस जो है फील हो रही है, जैसा कि आप सभी को मैंने आज पोस्ट से बताया ही कि मुझे वीडियो का शूट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, अंदर से मैं थका हुआ महसूस कर रहा था।
पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है और डाइट अपना मेंटेन करके रखना है। इस तरीके से हम कोविड से लड़ के उसको हरा सकते हैं। कभी कभार मेरे अंदर भी ये फीलिंग आई, क्योंकि जब मैंने बात किया कि मेरा बुखार नहीं जा रहा है कोविड हेल्पलाइन पे, और वहाँ से बताया गया कि अगर आपको सांस में भी दिक्कत है और बुखार भी आ रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाइए, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेरे अंदर का आत्मविश्वास जो था मैंने उसको जगा कर रखा। हालांकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, पल्स रेट ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो हॉस्पिटलाइज होना भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर आप उतनी कंडीशन आपको सीरियस नहीं है तो आप घर में रहकर भी ठीक हो सकते हैं। 99% लोग जो है वो घर पे रह के ही ठीक हो रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां से भी ठीक होके आ रहे हैं। कोविड ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें डेथ जो है वो कंपल्सरी है। आप लोग भी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लग रहे हैं, टीके जरूर लगवाइए और घर में रहिए ज्यादा से ज्यादा। सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि घर में रहिए, या फिर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो सिर्फ ऑफिस में जाइए, वहाँ सारे सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अपनाइए, और घर पे आइए तो वहाँ पर भी अपने आप को जो है पुराने जो कपड़े वगैरह हैं उनको बाहर उतारिए, जूते वगैरह सैनिटाइज करके जो है फिर अंदर ले आइए, हाथ मुंह अच्छे से धो लीजिए, और जो है मास्क का इस्तेमाल जो है घर में नहीं करना है, जब तक बाहर रहिए करते रहिए। तो इन सारी चीज़ों की सेफ्टी स्किल्स को अपनाते हुए हम कोविड को हरा सकते हैं। हमको कोविड से लड़ना है, इसको हराना है, और मुझे पता है इंडिया जरूर जीतेगा, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है। नमस्कार।